Good morning everyone. Today we are going to discuss JEE Main 2020 7th January evening shift paper, and I am going to discuss mathematics part. Myself Chand Prakash, and I welcome you on the behalf of CLC. So the first question is out of from probability, and the question goes like this: in a workshop there are 5 machine, and probability of any one of them to be out of service on a particular day is 1/4. If the probability that at most 2 machine will be out of service on the same day is 3/4 cube multiply with k, then find k. Okay, तो इस question में देखिए अपने को probability given है किसी एक machine के out of service होने की, और वो कितनी है 1/4. तो 1/4 probability है machine के out of service होने की, right? तो machine correctly काम करे इसकी probability हो गई 3/4. अब हमको बोला जा रहा है कि एट मोस्ट 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ देखिए 3 केस हमको काउंट करने पड़ेंगे जब एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस ना हो. यहाँ जो x है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मशीन्स विच आर आउट ऑफ सर्विस, प्लस प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जब एग्जैक्टली एक मशीन आउट ऑफ सर्विस हो, एंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब एग्जैक्टली 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस हो. तो देखिए अगर एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, इसका मतलब सारी मशीन करेक्टली वर्क कर रही है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 to the power 5. प्लस इस केस में अगर एक मशीन आउट ऑफ सर्विस है तो हमारे पास टोटल 5 मशीन है, तो कोई सी भी एक मशीन आउट ऑफ सर्विस होती है तो ऐसे में टोटल केस बन जाते हैं 5C1, राइट? और हर केस की प्रोबेबिलिटी, एक मशीन जो आउट ऑफ सर्विस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, और हर केस में 4 मशीन सही काम कर रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 to the power 4 हो जाएगी. प्लस सिमिलरली इन दिस केस 5 में से 2 मशीन हमें आउट ऑफ सर्विस चाहिए, तो उसके 5C2 केस बनेंगे, और 2 मशीन के आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 square, और रिमेनिंग 3 मशीन के करेक्टली वर्क करने का प्रोबेबिलिटी है 3/4 power cube. अब यहाँ से आप 3/4 power cube को कॉमन ले लीजिए, और रिमेनिंग डेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन यू गॉट 17/8. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17/8. ओके, दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम सर्किल. इस क्वेश्चन में देखो एक सर्किल अपने को गिवन है ऐसे, राइट? और इस इक्वेशन से अगर हम इसके सेंटर निकालते हैं तो वो आएंगे हमारे पास 4,2, और रेडियस अगर हम इसकी कैलकुलेट करें सर्किल की तो वो आएगी देखिए 4 square plus 2 square, और वहाँ से -16, तो कुल मिला के आपको मिला 2. अब यहाँ पर लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन अगर आप यहाँ पुट करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0, 0 डालने पे, यानी ओरिजिन इसके बाहर है, और यहाँ से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है ऐसे. ये बोल रहे हैं कि ये इसको पॉइंट ए और बी पे मिलती है, तो ये कॉर्ड ए बी का लेंथ अपने को पता करना है, ये क्वेश्चन है. तो देखिए कैसे करें, तो इसकी रेडियस जो है हमारे पास ये हो गई है 2, करेक्ट? इसको मैं अगर ऐसे मिला देता हूँ और लेट वी टेक दिस एंगल थीटा. अब ये जो लेंथ है देखिए ओ ए लेंथ टेंजेंट की लेंथ है, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट एस डैश. तो अगर हम ओरिजिन यहाँ पुट करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और उसका अंडर रूट लेने पे 4, तो ये लेंथ हमारे पास 4 हो गई. सिमिलरली हम लोग ये लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 4,2 है, ये 0, 0 है, तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ आपको मिलेगी अंडर रूट 20. और अब इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को चलिए हम एम बोल देते हैं. तो ये जो लेंथ ए बी है हमारे पास, दैट इज 2 times of AM, राइट? और ए एम को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये लेंथ 4 है, ये एंगल थीटा है. सो ए एम कैन बी रिटर्न 4 times sine of theta, और साइन थीटा की वैल्यू अपन इस वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं. देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये लेंथ 2 है और ये रूट 20 है, तो साइन थीटा हो गया 2/√20, यानी कुल मिला के ये वैल्यू हो गई 2/4 multiply with 2/√20. रूट 20 कैन बी रिटर्न 2√5. 2 और 2 कैंसिल हुए, तो ए बी का वैल्यू है 8/√5. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है ए बी स्क्वायर, राइट? तो वैल्यू हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 5.
So the right answer of this question is 64 divided by 5. चलिए next question जो देखें ये integration से है और एक simple सा integration हमको यहाँ solve करना है that is 4 of alpha minus 1 to 2 e power minus alpha into mod x dx. तो इस mod x को remove करने के लिए इस mod को remove करने के लिए हम इस integration को दो part में break कर लेंगे. यानी हम इसको ऐसे break करेंगे minus 1 से 0 और 0 से 2. अब देखिए माइनस 1 से 0 ये x की वैल्यू है और इस वैल्यू में x पॉजिटिव है तो मॉड x का जो वैल्यू है सॉरी माइनस 1 से 0 में x नेगेटिव है तो मॉड x को यहां पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस x और इस तरह से ये जो फंक्शन हमारा ये बन जाएगा e टू द पावर अल्फा x dx. सिमिलरली 0 से 2 में x पॉजिटिव है सो मॉड x विल बिकम x और इस टर्म को हम लिख सकते हैं e पावर माइनस अल्फा x इंटू डी एक्स और ये इंटीग्रेशन अब हम सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए क्या मिलता है 4 अल्फा एज इट इज है e पावर अल्फा x को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा e पावर अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है माइनस 1 से 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा e पावर माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा और इसकी लिमिट हो गई 0 से 2 और ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को. तो 4 अल्फा मल्टीप्लाई विद अच्छा देखिए इस अल्फा को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से अल्फा कॉमन लेके और उसके बाद यहाँ हमें मिलेगा e पावर 0 विच इज 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा प्लस यहाँ जब हम 2 पुट करेंगे देन वी गॉट e पावर माइनस 2 अल्फा और जब 0 पुट करेंगे तो मिलेगा माइनस 1 और ये जो माइनस है ये इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा यानी यहाँ पर हमको लिखना चाहिए माइनस ऑफ दिस. इसको थोड़ा और अगर हम सिंपलीफाई कर लें ये अल्फा हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं तो 4 यहाँ रह गया और ये बन गया हमारे पास माइनस कॉमन ले लेते हैं हम e पावर माइनस 2 अल्फा प्लस e पावर माइनस अल्फा और ये 1 ऐड होके बन जाएंगे हमारे पास प्लस 2 माइनस कॉमन लेके उसको हम माइनस 2 लिख सकते हैं. अब देखो ये वैल्यू दोस्तों हमको दी हुई है 5 करेक्ट. अब हम e पावर माइनस अल्फा को t मान लेते हैं तो ये इक्वेशन देखिए कुछ ऐसी बन जाएगी दिस टर्म कैन बी रिटन टी स्क्वायर ये हो गया प्लस टी राइट. ये 4 अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो ये माइनस 5/4 हो गया और इसको इधर लेकर आए अगर हम तो माइनस 2 और प्लस 5/4 सो माइनस 2 प्लस 5/4 ये बन जाएगा माइनस 3/4 इक्वल टू 0 यानी कि 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है. तो यहाँ से देखिए t की वैल्यू हमको क्या क्या मिलेगी इसको सिंप्लीफाई करने पर टी का वैल्यू हमको मिलेगा हाफ और माइनस 3/2. अब टी हमने किसको माना था ई पावर माइनस अल्फा को और ई पावर माइनस अल्फा है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई और इसको अगर आप कंपेयर करें तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी लॉग ऑफ 2. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉग 2. ओके द क्वेश्चन नंबर इज 4 फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम. यहाँ देखिए एक इक्वेशन हमको गिवन है दैट इज 6 × 35 Cr इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 Cr+1 राइट. अब इस 36 Cr+1 को देखिए अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय r+1 मल्टीप्लाई विद 35 Cr. उसका बेनिफिट ये होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई राइट. 6 से हम कैंसिल आउट कर देंगे 36 को 6 यहाँ बच जाएंगे. अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें अगर हम तो हमें मिलेगा देखिए r+1 इज इक्वल टू 6k² - 18. तो दोस्तों यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी r+19 डिवाइडेड बाय 6. अब यहाँ देखिए ये जो टर्म हमारे पास 35 Cr ये कब डिफाइन होगी जब r का मिनिमम वैल्यू तो हम ले 0
and the maximum possible value of R is 35. तो इससे मुझे पता लगता है कि R की value 0 से 35 के बीच में होनी चाहिए. तो यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं तो इससे हमें मिलेगा कि K square की value minimum 19/6 और maximum 35 पुट करने पे आपको मिलेगा 35 plus 19 और ये कितना हो गया 54/6 करेक्ट. अब देखिए के भी क्वेश्चन में गिवन है, के भी एक इंटीजर है तो के स्क्वायर जो है इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो अगर हम यहां देखते हैं, देखिए 19/6 ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 point something हो गई और ये हो गया अपने पास 9. तो 3 point something से लेके 9 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिलते हैं वो हैं, एक तो 4 मिल जाएगा और एक 9 मिलेगा. तो k स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटी बनी. तो k की पॉसिबल वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3. अब k स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमको r का भी वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हो r और k की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी. इन दोनों ही सूरत में k स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा. तो अगर वो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो गया अपने पास 24 - 18 प्लस 1. ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा. तो 24 - 19 यानी कि 5 वैल्यू मिलेगी r की. तो 5 कॉमा प्लस माइनस 2. तो दो वैल्यू ये हो गई. सिमिलरली जब हम यहाँ प्लस माइनस 3 लेंगे तो हमें r का और वैल्यू यहाँ से मिलेगा और वो कितना होगा 54 - 19. चलिए जो भी होगा हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करना है तो टोटल मिला के हमको 4 सेट यहाँ पे मिल जाएंगे. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड पी के इज इक्वल टू अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कौन सा स्टेटमेंट टिकआउट करना है जो ट्रू नहीं है. चलिए देखिए कैसे करते हैं. लेट अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो इन दैट केस वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1. ओके अगर देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा पावर एन से तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कुछ अल्फा पावर एन प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा राइट. और सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है सो वी कैन ऑल्सो राइट बीटा पावर एन प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा पावर एन और यहाँ भी बीटा पावर है. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखिए ऐड कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस कैन बी रिटन पी ऑफ एन प्लस 2 एंड दिस सम कैन बी रिटन पी एन प्लस 1 एंड इट कैन बी रिटन पी एन. तो ये एक रिलेशन हमको मिल जाता है. तो अगर हमें दो कॉन्जुगेटिव वैल्यू पता हो पी एन की तो हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब यहाँ देखिए अगर मुझे पी वन कैलकुलेट करना हो राइट तो पी वन का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया भाई सम ऑफ रूट. तो अगर हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकालें तो उसकी वैल्यू है 1. तो पी वन का वैल्यू 1 हो गया. अब अगर मैं पी टू कैलकुलेट करूँ तो वो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दिस कैन बी रिटर्न अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. और यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ये फिर से 1 है. प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन से तो माइनस 1 है यानी ये हो गया माइनस 2 टाइम माइनस 1. फाइनली यू गॉट 3. तो पी टू का वैल्यू 3 हो गया है. अब अगर हम पी थ्री कैलकुलेट करते हैं तो आपको करना क्या बस इन दोनों को ऐड कर लो तो ये 4 हो गया. पी फोर कैलकुलेट करें तो उसके लिए पी थ्री और पी टू को ऐड करेंगे 7 और पी फाइव अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो गया 7 + 4 यानी कि 11. तो अब यहाँ पे देखिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करते हैं क्या पी फाइव पी टू पी थ्री का प्रोडक्ट है. तो ये पी टू और पी थ्री और इनका प्रोडक्ट आता है 12 जबकि पी फाइव है 11. तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही आंसर हो गया. बाकी को आप चेक कर सकते हैं पी फाइव का वैल्यू 11 आ रहा है. ऑल दीज स्टेटमेंट आर राइट. सो दिस इज द नॉट ट्रू स्टेटमेंट सो इट विल बी द आंसर. सो द क्वेश्चन नंबर इज 6 फ्रॉम एलिप्स. एक लाइन हमको गिवन है जो इस एलिप्स की टेंजेंट है राइट और हमें एलिप्स की दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस बताना है. हम जानते हैं दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है एलिप्स में
F1, F2, that is equal to 2 times AE, correct? Or by definition, yeah, by relation between A and E, we know that B square is equal to A square into 1 minus E square. So, if we take AE ka value nikale, to humko milega, that is 2 divided by A square minus B square. तो मुझे यहां पे a और b अगर पता हो तो हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहां इस क्वेश्चन की इस एलिप्स की इक्वेशन को देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि b स्क्वायर का वैल्यू जो है यहां पर वो 9 है. चलिए अभी रुक जाते हैं, क्योंकि a अगर a और b में कौन बड़ा आता है इससे डिसाइड होगा कि कौन a बनेगा और कौन b बनेगा. इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 4√2 plus y divided by 3√2 plus 1 equal to 1, sorry. And इसको हमने लिख लिया है intercept form में. दूसरी तरफ अगर हम standard ellipse की tangent लिखते हैं parametric form में, तो उसकी equation होती है x by a cos theta plus y upon b, जो यहाँ पे 3 हो जाएगा, sin theta equal to 1. और देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 45 डिग्री है, तो साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम 1/√2 1/√2. बी का वैल्यू 3 हो ही गया और ए का वैल्यू हो गया यहाँ पे 4, राइट? और बी का वैल्यू 3 है हमारे पास. अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर यानी कि 16 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9. सो द राइट आंसर इज 2√7. So first is the correct answer of this question. Now move to the next question, please. Okay, the next question is, देखिए ये trigonometry से है. Theta 1, theta 2 respectively be the smallest and largest value of theta which satisfy this equation. और उसके बाद फिर हमको integration भी करना है. तो चलिए सबसे पहले इसको solve करते हैं. यहाँ cot square theta को हम cos square theta upon sin square theta अगर लिख देते हैं, तो ये इस तरह से बनेगी कुछ equation हमारे पास. 2 time cos square theta माइनस 5 टाइम साइन थीटा प्लस 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, राइट? यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के 2 बन जाएंगे, और 2 साइन स्क्वायर थीटा एक जो हमारे पास बच गए उसको अपन इधर लिख लेते हैं, और माइनस 5 साइन थीटा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली साइन थीटा के अंदर. इसके अगर हम फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 2 साइन थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ 2 माइनस 2 और माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है वो है हाफ और 2. नाउ वी ऑल नो दैट कि साइन थीटा 2 तो हो नहीं सकता, सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज हाफ. अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ 0 से 2 पाई में दो जगह होती है, जब थीटा का वैल्यू होता है पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6. यानी कि दोस्तों ये तो हो गया थीटा 1 हमारे लिए और ये हो गया थीटा 2. अब ये हम यहाँ पुट कर देते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं. यानी हमें इंटीग्रेट करना है पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 के बीच में, और इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा को. तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, राइट? और अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे. तो देखिए फर्स्ट पार्ट का ना, इसको तो 1/2 रख लेता हूँ बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी थीटा. कॉस 6 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय 6, और ये हो गया दोस्तों पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6. जब आप लिमिट पुट करेंगे इसमें 5 पाई बाय 6 डालेंगे तो 5 पाई बाय 6 मिलेगा यहाँ पर. यहाँ पुट करेंगे साइन 5 पाई विल बिकम 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी. फिर माइनस 5 बाय 6, और ये 5 बाय 6 यहाँ डालोगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, राइट? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 4 पाई बाय 6. यानी कुल मिला के अगर इसको कैंसिल आउट करें तो पाई बाई 3. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई बाई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन से है. ए बी सी डी बी 4 नॉन एम्प्टी सेट एंड द राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको याद दिलाएं कि पी
स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो होता है किसके इक्विवेलेंट, माइनस क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो अगर हम यहां कंपेयर करते हैं देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट पी हो गया और ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया है क्यू। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू। दैट मीन्स इफ ए नॉट कंटेंड इन सी, तो ये इसका निगेशन हो गया, इंप्लाइज देन एंड निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका अगर हम निगेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निगेशन होगा ए नॉट कंटेंड इन बी, करेक्ट। एंड जो है इसका निगेशन हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू डी मार्गन्स लॉ, और ये बन जाएगा बी नॉट कंटेंड इन डी। तो ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हम देख सकते हैं कि ये फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 7 इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है ये एक जीपी है और इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स पावर 10, करेक्ट। और कॉमन रेशियो देखिए क्या है इस जीपी का, तो आप इस टर्म को डिवाइड कर लीजिए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके देखिए तो आपको कॉमन रेशियो जो मिलेगा इसका वो मिलेगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, करेक्ट। तो इसका सम हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 टर्म है, तो इसलिए सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पे और 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो देखिए कितना मिलता है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स पावर 11 हो जाएगा, उसको अंदर लेंगे अगर आप मल्टीप्लाई में तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स पावर 11 माइनस एक्स पावर 11। तो ये पूरा सम जो है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 7 निकालना है, तो आप देख सकते हैं इस वाली टर्म में इसके एक्सपेंशन में एक्स पावर 7 का कोफिशियंट आएगा 11c7। सो 11c7 इज़ द राइट आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो ये बराबर हो गया देखिए 11 × 10 × 9 × 8 / 4 × 3 × 2 × 1, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो कुल मिला के 330 इज द राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, राइट। और उसके लिए हमको दो बातें बताई गई है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1 और -1, उसके अलावा ये टर्म का वैल्यू इसका लिमिट जो है वो 4 के बराबर है। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें देखिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2 के बराबर, करेक्ट। अब यहाँ से हमें एफ एक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कुछ इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स 5 डिग्री टर्म है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसकी पॉसिबल टर्म जो है वो कुछ इस तरह से होगी ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। अब अगर इसको मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ना, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं और लिमिट लगाते हैं एक्स टेंस टू 0, तो ये टर्म है जैसे एफ अपॉन एक्स क्यूब, सो व्हेन एक्स टेंस टू 0 दिस टर्म विल टेंस टू इनफाइनाइट, जबकि आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो फाइनाइट आंसर तभी आ सकता है जब ये टर्म एफ एक्स में ना हो, राइट। सिमिलरली यहाँ भी देखिए ई एक्स है, इसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1/x² में कन्वर्ट होगी और ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो फाइनाइट वैल्यू आने के लिए ज़रूरी है कि अपने फंक्शन में एक्स क्यूब से कम पावर वाली टर्म ना हो, तो इसके लिए ये जो दोनों टर्म है ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब ये फंक्शन बच गया हमारे पास, अब ये वैल्यू अगर अपन वहाँ रखते हैं एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और लिमिट पुट करने पर हमको मिलेगा सी, व्हेन वी पुट एक्स टेंस टू 0 ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी और सी बचेगा वहाँ पे, तो उसका वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, यानी ये जो c है इसको 2 लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स बाई यूजिंग दिस कंडीशन। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट -1 से 1 है,
उसके लिए हम f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x आएगा 5a x पावर 4 प्लस 4b x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स पे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, यानी 5a प्लस 4b प्लस 6 ज़ीरो होना चाहिए। और f डैश माइनस वन अगर हम कैलकुलेट करें तो 5a माइनस 4b प्लस 6 ये भी ज़ीरो होना चाहिए, राइट। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है a का वैल्यू -6/5 और b का वैल्यू मिलता है 0। तो ये वैल्यू अगर हम a की यूज़ कर लें तो एफ एक्स बन जाएगा हमारे पास -6/5 x पावर 5 और प्लस 2x क्यूब, करेक्ट। अब ऑप्शन चेक करें, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन है f इज़ एन ऑड फंक्शन, तो बिल्कुल ये ऑड फंक्शन है, देखिए। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट टिक आउट करना जो ट्रू नहीं हो। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, x=1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये चेक करने के लिए कि इसका मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ आता है, हम f डैश x लिखते हैं, देखिए वापस से ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें a और b की वैल्यू डाल देते हैं, सो दिस टर्म विल बिकम 0। यहाँ बन जाएगा -6 x पावर 4, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ -6 x स्क्वायर, तो मुझे कुछ ऐसा टर्म मिलेगा फाइनली, फैक्टर करने के बाद ऐसा दिखाई देगा हमें f डैश x। इसके साइन अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि -1 पे 0 पे और 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इस इंटरवल में ये नेगेटिव साइन देगा, यहाँ पॉजिटिव साइन देगा, यहाँ पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ नेगेटिव साइन देगा। तो इस पॉइंट पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x=1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ बोल रहे हैं x=1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये ही स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ c इन द लैग्रांज़ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन इन इंटरवल 0, 1, राइट। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांज़ मीन वैल्यू थ्योरम वी नो दैट एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इस क्वेश्चन में ए है हमारे पास 0, बी का वैल्यू 1 है और ये फंक्शन है, तो एफ डैश सी देखो कितना आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा 3x स्क्वायर, तो मैं उसको लिख देता हूँ 3c स्क्वायर -8c एंड +8, इट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ आते हैं एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 1, तो अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं देन वी गॉट 1 -4 +8 +11 माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0, 0 पुट करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 11, नीचे यहाँ हो गया 1 -0, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो कुल मिला के इससे देखिए हमें एक इक्वेशन मिल गई 3c² - 8c, यहाँ प्लस के 8 है राइट, तो ये प्लस 8 और ये प्लस 8 कैंसिल, ये माइनस 3 इधर आके +3 = 0, तो ये हमें सी में इक्वेशन मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करके हम सी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ श्रीधराचार्य फार्मूला। तो सी कैन बी रिटन -b + √b² - 4ac यानी कि 4 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 6। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर आके 2 हो जाएगा वो, और 2 कैंसिल आउट करने के बाद ये बनेगा 4 + √7/6। और अब देखिए 4 + √7/6, सॉरी यहाँ पे 3 बन जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो गए। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इनमें से हमें वो ऑप्शन लेना जो 0 से 1 इंटरवल में आता हो। आप देख सकते हैं 4 + √7/3 1 से बड़ा हो जाएगा, सो द राइट आंसर इज 4 - √7/3, सेकेंड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्ट्रेट लाइन से है, और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से एक लाइन है y = x, सो लेट दिस इज़ द लाइन y = x। दूसरी लाइन है y = x/2, तो मैं मान लेता हूँ कि
ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x बाय 2 हमारे पास एंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन. इस लाइन पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जो मिड पॉइंट होगा m, इसका लोकस हमको कैलकुलेट करना है. तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना चाहिए. इस पॉइंट f को, ये पॉइंट देखिए इस लाइन पे लेना है मुझे, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि लेट दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा अल्फा, करेक्ट. ये जो लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आप देख सकते हैं प्लस वन है, तो इसका स्लोप माइनस वन हो जाएगा. तो इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई, और ये यहाँ से पास आउट होती है अल्फा अल्फा से, तो इट मस्ट बी इक्वल टू टू अल्फा. तो ये इसकी इक्वेशन है. अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना, y का वैल्यू x बाई टू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 3x बाई टू इज इक्वल टू टू अल्फा, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3x बाय 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो इट विल बिकम 4 अल्फा बाय 3, राइट. और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू हो गई 2 अल्फा बाय 3. तो इस तरह से पॉइंट f और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए अल्फा की फॉर्म में. m इनका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊं मैं अगर, तो पॉइंट m के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अल्फा प्लस 4 अल्फा बाय 3, ये बन गया मिलके 7 अल्फा बाय 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 अल्फा बाय 6. और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 अल्फा बाय 6, राइट. मुझे लोकस कैलकुलेट करना है m का, तो अगर हम यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट, अगर आप इनको डिवाइड करें, देन यू गॉट x अपॉन y इज इक्वल टू 7 बाई 5. सिंप्लीफाई करने पे यू कैन राइट 5x माइनस 7y इक्वल टू 0. तो ये है पॉइंट m का लोकस. सो द राइट आंसर इज सेकेंड. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहाँ अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ जो x है इसका कोई फंक्शन भी नहीं है और इसकी पावर भी 1 है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में. इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू y स्क्वायर. और अब अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें तो वो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ x, यानी कि 1 इंटू dy. सो दैट विल बिकम e पावर y. सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बिकम x इंटू e पावर y इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू e पावर y dy, करेक्ट. अब इसको सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर के आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें यूज़ कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पर फाइनली ये टर्म कुछ ऐसा बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 और e पावर y. यहाँ देखिए अब हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं y इक्वल टू y ज़ीरो इज इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 0 पुट अगर हम करें तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए. तो ये पुट कर दीजिए, देखिए दिस टर्म विल बिकम 0, यहाँ हो गया c प्लस y का वैल्यू 1 डालेंगे, ये कैंसिल होके 2 कैंसिल होके 1 बनेगा. और यहाँ पर अगर आप y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको फाइनली मिलेगा e, यानी c का वैल्यू आया माइनस ई. तो अपनी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा हो गया एक्स ई पावर वाई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 टाइम ई पावर वाई. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, दिस कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे y का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आप इसमें y का वैल्यू 0 पुट करिए, तो यहाँ बना x, ये हो गया माइनस ई, और y का वैल्यू 0 पुट करने पर ये 2 हो गया प्लस, और e पावर y बन गया 1. तो कुल मिला के x का वैल्यू हुआ 2 माइनस ई, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड. ओके, इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इज अ रियल नंबर देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर इज. तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको डिवाइड करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा है
तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब ये नंबर अगर रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इस नंबर का वो देखिए कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 3 cos थीटा आयोटा के साथ, और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 sin थीटा एंड दैट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम 10 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने को मिलती है -3/4। अब हमसे जो पूछा गया वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो अल्फ़ा है। तो वी नो दैट कि टेन अल्फ़ा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट। तो अगर यहाँ वाई और एक्स को यूज़ करें, वाई यहाँ कॉस थीटा हो गया, एक्स साइन थीटा, सो इट विल बिकम कॉट थीटा। और यहाँ हम देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा ये या तो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर कॉट थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें हम मॉड कॉट थीटा की, तो वो आएगी हमारे पास 4/3, बट साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, तो इसलिए ये जो नंबर बनेगा हमारे पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सॉरी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट की वो हो जाएगी आइदर -tan inverse 4/3 और π -tan inverse of 4/3, राइट। ये तो हो गया हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, और ये पॉसिबल आर्ग्यूमेंट है इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, सो द राइट आंसर इज π -tan inverse 4/3, सो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो देखिए ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स बी जो है देखिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है कुछ इस तरह से, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, राइट। और इसके एलिमेंट हमको इस तरह से लिखने हैं, bij इज इक्वल टू 3i j-2 इंटू aji, वेयर aji इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। तो अगर हम यहाँ लिखें, ये B11 एलिमेंट होगा, तो i और j की वैल्यू अगर आप वहाँ 11 डालते हैं तो आपको 3 मिलेगा 0 और यहाँ मिलेगा A11। सिमिलरली जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये B12 एलिमेंट है, तो i और j की वैल्यू 12 पुट करने पर अपने को मिलेगा 3 A21। इसी तरह से यहाँ मिलेगा 9 A और ये 3-1, यहाँ आपको मिलेगा 3 A12, 9 A और 2-2 और 27 A32, यहाँ अपने को मिलेगा 9 A31, यहाँ मिलेगा 27 A और 2-3 और यहाँ अपने को मिलेगा 81 A33, राइट। तो ये है मैट्रिक्स बी। अब हमको देखिए डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू गिवन है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये भी यहाँ डिटर्मिनेंट हो गया है। अब हम इसको सिंपलीफाई करें अगर, तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए इस रो से हम कॉमन ले लेंगे 3 को, सॉरी इस रो से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इस रो से हम कॉमन ले लेंगे 3 को और इस रो से कॉमन ले लेंगे हम 9 को, यहाँ से 3 और यहाँ से 9 कॉमन चला जाएगा। उसके बाद इस रो से यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं गया, यहाँ से 3 कॉमन गया, 9 कॉमन गया, तो उसके बाद भी यहाँ से हम 1-3 और कॉमन निकाल पाएंगे और यहाँ से 1-9 और कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बाहर मल्टीप्लाई होके हो गया 3² 9² और यहाँ बचेगा अपने पास, यहाँ देखिए 1A11, करेक्ट, यहाँ से इसमें 3 कॉमन चला गया था तो A21, यहाँ पे A31। सिमिलरली ये जितने भी 3 और उसके पावर हैं ये सब कॉमन चले जाएंगे और ये टर्म बचेगी अपने पास ऐसे,
इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो है ये मैट्रिक्स ए बच गया अपने पास, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 square into 9 square into दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये सब किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। क्वेश्चन में अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू गिवन है 81, तो ये 9 square ऐसे कैसे इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 रह गया, इधर हो गया 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिलेगा 1/9, सो द राइट आंसर इज 1/9। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एरिया बाउंडेड बाई कर्व से है और ये दो कर्व से बाउंडेड एरिया अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वाई इज इक्वल टू 4x square। अगर इसको ड्रॉ करें हम तो ये पैराबोला है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, दिस इज वाई इज इक्वल टू 4x square। दूसरा जो कर्व है y इज इक्वल टू 8x plus 12, ये स्ट्रेट लाइन है और ये हो गया y इज इक्वल टू 8x plus 12, इस तरह से इसको कट करते हुए ये लाइन आएगी। इस इनइक्वलिटी को देखिए, अगर हम ये पता करना चाहें कि कौन सा एरिया ऐसा है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो आप पाएंगे कि अगर हम इस कर्व पे y का वैल्यू 4x square से ज़्यादा है और y का वैल्यू 4x square से ज़्यादा अगर अपने को चाहिए तो इसके ऊपर वाला पोर्शन हम लेंगे, राइट। सिमिलरली y का वैल्यू 8x plus 12 से कम चाहिए तो वो इसके नीचे होगा, तो ये वो एरिया है जो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। और इसके लिए पहले हम ये दोनों पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों कर्व के, तो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो 4x square इज इक्वल टू 8x plus 12 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x square minus 8x minus 12 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दीजिए, x square minus 2x minus 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी -1 और 3, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1 और इसका x कोऑर्डिनेट है 3, और ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से -1 से 3 तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी 8x plus 12 minus 4x square, बस ये इंटीग्रेशन जो है आपका वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ये इट कैन बी रिटन, ये 8 है, x का इंटीग्रेशन x square by 2, सो फाइनली वी गॉट 4x square plus 12x, ये हो जाएगा 4/3 x³, और लिमिट पुट कर दीजिए इसमें -1 से 2, तो जब आप लिमिट पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यू गॉट 128/3, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 128/3। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कुछ इस तरह से अपने को यहाँ पे इक्वेशन गिवन है y√1 − x² + x√1 − y² = k, और यहाँ से मुझे dy/dx कैलकुलेट करना है at x = ½, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लेट वी पुट x = sin a, राइट, एंड y = sin b, ये सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे हम कर देते हैं, तो देखिए ये टर्म बन जाएगी साइन b और ये 1 − sin² का अंडर रूट है, सो इट विल बिकम cos a, x की जगह यहाँ साइन b और ये बन जाएगा cos a, सॉरी ये x की जगह साइन a और ये बनेगा cos b, सामने हो गया k, यहाँ आप देखिए फॉर्मूला लग जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू k, यानी a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ k, राइट। ए और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से वापस पुट करें तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ के, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, राइट, इसी तरह से साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा अंडर रूट 1 − y² dy/dx और सामने हो गया 0।
कि अब हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हाफ, और जब x का वैल्यू हाफ लेंगे हम तो y का वैल्यू हमको कितना लेना है, वहाँ पे गिवन हमें -1/4, तो आप यहाँ हाफ पुट करिएगा, इट विल बिकम 1 - 1/4, तो फाइनली 2/√3 प्लस यहाँ पे पुट करिए 1/4, तो ये बन जाएगा 4/√15 और dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम dy/dx कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस, देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई विद √15/4, सो फाइनली वी गॉट -√5/2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, -√5/2। क्वेश्चन नंबर 18, लेट ए बी एंड सी बी थ्री यूनिट वैक्टर सच दैट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए इस कंडीशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, राइट? और ए बी सी तीनों यूनिट वैक्टर है, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है हमारे पास ये इक्विलिट्रल ट्राइंगल हो गया, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहूँ तो उसके लिए इसको एक्सटेंड करके हम देखें तो दिस एंगल इज़ 120 डिग्री। यानी इस इंफॉर्मेशन से हमको ये पता लगता है कि ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं और हर एक दो के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो इसलिए अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें या बी डॉट सी करें या सी डॉट ए करें तो ये किसके बराबर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए, दैट इज़ 1 मॉड ऑफ बी 1 एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू हो गया -½। सिमिलरली अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, बी क्रॉस सी करते हैं या सी क्रॉस ए करते हैं तो इन तीनों की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा कॉमा डी की। लैम्डा देखिए क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सबका वैल्यू -½ है तो तीनों ऐड होके बन जाएंगे -3/2, और ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए सब इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम ए क्रॉस बी, राइट? और अब अगर हम ऑप्शन मैच करें तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे, -3/2 इसमें है लेकिन यहाँ पे सी क्रॉस बी है, राइट? जबकि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, तो ये ऑप्शन गलत है और ये सही आंसर है, सो द राइट आंसर इज सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज से, एक सीरीज हमको गिवन है, इसकी 40 टर्म का हमको सम कैलकुलेट करना है। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें टोटल 40 टर्म है, अगर हम इन दो दो टर्म को ऐड करते हैं ऐसे तो आप क्या पाएंगे, 4+3 हो गया 7, 8+9 हो गया 17, 13+14 ये हो जाएगा 27, ऐसे नेक्स्ट टर्म हो गई 37 एंड सो ऑन। और टोटल 40 टर्म थी, हमने दो दो टर्म का सम किया है तो अब इसमें कितनी टर्म हो गई है, 20 टर्म्स। और इसको ध्यान से देखिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट? तो ये एपी हमको मिल गई यहाँ पे, तो इसमें सीधे सीधे अब हम एपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 × 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 19 × d विच इज़ 10 हीयर। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमको देखिए उस फॉर्म में लाना ना 102 × m, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 10, और यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 190 और ये 14, तो कुल मिला के अपने को मिल गया 10 × 4 = 204 × 10। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से 102 बनाना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो इट विल बिकम 20 × 102, सो द वैल्यू ऑफ m इज़ 20, सो थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीक्वेंस थ्री चैप्टर से ही है, a1 a2 a3 b a g p। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है जी पी का वो a है और कॉमन रेशियो इसका r है, राइट? और ये हमको नेगेटिव लेना है ऐसा हमको गिवन है। a1 + a2 4 है तो फर्स्ट टर्म हो गया a और a2 हो गया ar और ये सम अपने को गिवन है 4, राइट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a कॉमन लेके 1 + r = 4, तो एक इक्वेशन ये हो गई। उसके बाद a3 + a4, a3 लिखोगे आप ar²
A4 लिखोगे AR क्यूब दैट इज इक्वल टू 16. यहाँ से भी देखिए अगर AR स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस R का वैल्यू हो गया 16. तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास. अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, सीधे सीधे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कैंसिल होकर इधर बचेगा R स्क्वायर और सामने बचेगा 4, यानी R का वैल्यू होगा प्लस 2 या माइनस 2. अब R का वैल्यू प्लस 2 देखिए मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे A का वैल्यू मिलेगा 4/3, जबकि मुझे दिया है कि A मुझे नेगेटिव लेना है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई. A का वैल्यू R का वैल्यू माइनस 2 ले लें अगर हम तो A का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा माइनस 4. तो ऐसे अब हमको फर्स्ट टर्म भी मिल गई, कॉमन रेशो भी मिल गया. अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो देखिए ये रहा, इसको ध्यान से देखिए, ये 9 टर्म का सम है. तो जीपी की 9 टर्म का सम हमको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं. दैट इज फर्स्ट टर्म यानी माइनस 4 मल्टीप्लाई विद यहाँ आएगा 1 माइनस कॉमन रेशो जो माइनस 2 है और 1 माइनस कॉमन रेशो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म यानी 9. 2 पावर 9 512 होता है तो माइनस माइनस प्लस होके आपको मिलेगा माइनस 4 इंटू ये हो गया 513 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम इसको डिवाइड करें और इस माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये कितना आएगा देखिए हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम तो ये मिलेगा 1 और 7 1. तो कंपेयर करने पे लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस 171. सो द राइट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. एक पॉइंट हमको गिवन है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 3 और ये बोल रहे हैं कि एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा 7 1 एट दिस पॉइंट इज बी और यहाँ से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको गिवन है 5/3 7/3 एंड 17/3 और मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम पहले इस लाइन के DR निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशो. तो 5/3 माइनस 1 करेंगे हम तो हमको मिलेगा 2/3. 7/3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 7/3. 17/3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए तो 17 - 9 यानी कि 8/3 और रेशो से मतलब है मुझे सिर्फ, तो मैं 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 2, 7, 8 इसके डायरेक्शन रेशो हो गए. सिमिलरली अब आते हैं यहाँ पे, इस लाइन के DR अगर हम निकालें तो वो आएंगे अल्फा माइनस दिस यानी कि 3 α - 5/3 और 7 - 7/3 तो ये हो जाएगा 14/3 और 1 - 17/3 ये बन जाएगा -14/3 और ये 3 कैंसिल आउट कर देते हैं तो इसके डायरेक्शन रेशो हो गए 3 α - 5 14 एंड -14. नाउ वी विल यूज़ द कंडीशन कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दो लाइन जिनके DR हमें पता है उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं और वो क्या होगी 2 α - 5 7 × 14 + 8 - 14 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें देखिए 6 α - 10 और यहाँ से अगर हम 7 × 14 8 × 14 हो जाएगा -14 = 0. तो कुल मिला के अल्फा की वैल्यू आएगी 24/6 यानी कि 4. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन देन फाइंड μ - λ² तो हमें ऐसा गिवन है कि इसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आने चाहिए यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए इसके. तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करें. तो हम इसको एकदम सिंपल एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करके और हम एलिमिनेट कर लेते हैं एक्स को. तो जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको मिलेगा देखिए y + 2z = 4 करेक्ट. अब ऐसे ही एक बार हम इन दोनों इक्वेशन में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. उसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, 3x कैंसिल हो जाएंगे, 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे y, 3z में से लैम्डा z घटाएंगे तो +3 - λ (z) = यहाँ हो गया 18 - μ. तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई y और z की फॉर्म में. अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं
करेक्ट. तो इसमें से इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए कितना मिलता है. टू वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, टू जेड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस वन इंटू जेड, और फोर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा म्यू प्लस का और माइनस के 14. तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब हम चाहते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, तो उसके लिए देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि लैम्डा का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो ये टर्म 0 नहीं होगी और इससे डिवाइड करके हमको जेड का एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा. तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए लैम्डा मस्ट बी 1. अब अगर ये 0 हो गया तो सामने भी 0 होना चाहिए, अदरवाइज फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी म्यू का वैल्यू होना चाहिए 14. तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 14 माइनस 1 स्क्वायर, सो फाइनली वी गॉट 13. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए. लेट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 50. A is also set of natural number which are multiple of 2 and B is also set of natural number with multiple of 7. तो ये set theory में से है question. Then the number of element in the smallest subset of X containing both A and B. देखो A और B दोनों को contain करने वाला जो smallest set बन सकता है वो बनता है A union B. यानी कि हमको एक तरह से number of element in A union B पता लगाने हैं. So according to formula, this is equal to NA plus NB minus NA intersection B. तो NA का मतलब 1 से लेके 50 तक कितने ऐसे natural number है which are divisible by 2. तो वो हम जानते हैं 2, 4, 6, 8 and so on. Total मिला के 25 number ऐसे होंगे 1 से 50 तक जो 2 से divide होते हैं. अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी मल्टीपल ऑफ 7. तो 7 के मल्टीपल हो गए 7, 14, 21 और लास्ट जो बनेगा वो हो जाएगा 7, 7 जा 49, यानी कि टोटल 7 नंबर ये होंगे. माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे नंबर जो सेट ए और बी दोनों में आते हैं, यानी जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और जो 7 से भी डिवाइड होते हैं, और ये वही नंबर होंगे जो 14 से भी डिवाइड होंगे. तो 14 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे 1 से लेके 50 तक हमारे पास, तो वो हो जाएंगे 14, 28, ओके. और तो कुल मिला के 3 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे 14, 28 और 42 तक, जो कि 14 से डिवाइड है. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अपना आंसर हो गया 29. तो टोटल 29 नंबर एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी में. सो द राइट आंसर इज 29. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड on minus 1 by 3 to plus 1 by 3 such that fx equal to this is continuous function. देखिए अगर function continuous है तो उसकी condition ये है कि function की जो value आएगी 0 पे वो function की limit के बराबर होनी चाहिए 0 पे. ये continuity की condition. अब अपने को value कितने given है function की, k, और limit अपन calculate कर लेते हैं. तो limit x tends to 0, तो fx की definition हो गई यहाँ पे 1 by x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x. इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए अपन इसमें 1 ऐड कर लेते हैं और 1 यहाँ पे मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. और इसको देखिए फिर हम ऐसे अरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में कि लॉग ऑफ ये बन गया 1, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, करेक्ट. और ये x जो है अपने पास यहाँ रखा हुआ है. अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में मैं 5x इंटू 1 माइनस 2x लिख लेता हूँ, और इसको एडजस्ट करने के लिए हम 5x इंटू 1 माइनस 2x यहाँ भी लिख लेते हैं. अब देखिए ये x तो इस x से कैंसिल आउट हो गया और ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गई. व्हेन x टेंस टू 0 दिस टर्म इज आल्सो टेंस टू 0, तो ये log 1 प्लस टी अपॉन टी टी टेंस टू 0 हो गया, और इस लिमिट का वैल्यू होता है 1, तो ये अपने को मिला 1. जब यहाँ लिमिट लगाएंगे 5 और नीचे यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 0, तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनली वी गेट 5. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 नंबर आर गिवन देन फाइंड एक्स इंटू वाई, ये क्वेश्चन है.
ये क्वेश्चन देखिए स्टेटिस्टिक्स से है, तो इसके लिए आपको मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मीन जो है नंबर्स का वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 है टोटल नंबर, तो डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमको कितना गिवन है 10। सिग्मा एक्स आई का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल डेटा। तो चलिए इन सब का सम करते हैं हम डेटा का, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 7 और 3 10 हो गया ये, राइट, और ये हो गया हमारे पास 25 और ये हो गया 20, तो सारा मिला के 20 25 हो गया 45, ये 55 और 9 और ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 64 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमको x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट, और वो देखिए कितना मिलेगा हमको, ये 80 हो गया, 64 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अपने को वैल्यू मिला 16। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। आगे बढ़ते हैं, अब वेरिएंस की बात हो रही है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ये वेरिएंस के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है वेरिएंस है 25, राइट, स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर्स, तो सारे डेटा का स्क्वायर करके आपको सम करना पड़ेगा, कितना आएगा देखिए 9 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन अपने को ऑलरेडी गिवन है 10, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आपको मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फाइनली हमें इसका वैल्यू मिलेगा 148। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक से x प्लस वाई की वैल्यू पता है मुझे और एक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है देखो x इंटू वाई की, तो मैं सीधे ये फार्मूला लगा देता हूँ कि x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर हम अप्लाई करें तो ये हो गया 16 का स्क्वायर यानी कि 256 माइनस ये 148 है डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई करने पे फाइनली वी गॉट 54। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 54। तो ये था जेईई मेन 2020 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।